नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीगल एक्सरसाइजेस। ये टर्मिनोलॉजी जितना मुश्किल है अंडरस्टैंड करना और जितना इसके बारे में कंफ्यूजन है, आज हम इसी को दूर करेंगे। तो कीगल एक्सरसाइजेस क्या होता है, कीगल एक्सरसाइजेस जो एक्चुअल है या ओरिजिनल है वो क्या है, उसे कैसे किया जाए, और अगर आपको प्रोस्टेट की या लिंग में तनाव की कमी है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कीगल एक्सरसाइजेस का क्या रोल है, और कीगल एक्सरसाइजेस का जो बड़ा है पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग PFMT और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है सेक्स एक्सरसाइजेस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी एक्सरसाइजेस है पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने की या उसको ट्रेन करने की, उन एक्सरसाइज को पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो पेल्विक फ्लोर बेसिकली हमारा जो मर्द है या उसके अंदर जो हड्डी है हमारी, जो ये कूल्हे की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी के अंदर ही हमारे सारे ऑर्गन होते हैं, हमारा ब्लैडर, हमारा प्रोस्टेट, हमारा लिंग और लिंग की ब्लड सप्लाई, और इन्हीं के अंदर से जो है नसें, नर्व्स, वेसल सब जा रहे होते हैं। इसी जो ये जो हमारी कूल्हे की हड्डी है उसको कवर करने वाली जो मांसपेशी होती है उसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं। उसी पेल्विक फ्लोर के अंदर छेद होता है जिससे हमारा पेशाब का रास्ता बाहर निकलता है, हमारा लिंग बाहर निकलता है, हमारे पॉटी का रास्ता बाहर निकलता है, और अगर इसी पेल्विक फ्लोर के अंदर कमी आ जाए तो इसके थ्रू जाने वाली हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, हमारी नर्व्स सारी डैमेज हो सकती है। इस पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस होती है जिनको पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग बोलते हैं, और उन एक्सरसाइजेस में सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल थे वो डॉक्टर कीगल थे जो 1948 में इन्होंने एक्सरसाइज दी थी, और इस एक्सरसाइज को इन्होंने बनाया था औरतों के लिए, उन औरतों के लिए जिनको बच्चा पैदा करने के बाद पेशाब में लीकेज हो जाती है। तो उन्होंने इस एक्सरसाइज को बनाया था उन औरतों के अंदर जो पेल्विक फ्लोर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डॉक्टर कीगल तो 1972 में एक्सपायर हो गए, दुनिया छोड़ गए, पर एक्सरसाइज उनके नाम के साथ रह गई। और पिछले 20 साल से जब पाया गया वे रिसर्चेज में कीगल एक्सरसाइजेस से मर्दों के अंदर भी बहुत बेनिफिट है, कीगल एक्सरसाइज रेगुलर करने से मर्दों का प्रोस्टेट हेल्दी रहता है, उससे उनके सेक्स की पावर अच्छी रहती है, लिंग में सप्लाई अच्छी रहती है, पॉटी के रास्ते में से जो हमारा पेट साफ होता है बड़े तरीके से होता है, तो कीगल एक्सरसाइजेस को मर्दों के अंदर भी अडॉप्ट कर लिया गया। पर अडॉप्शन के ड्यूरिंग काफ़ी चीज़ें रह गई, प्रॉपरली उसको जो है एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। तो अभी भी मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और पूछते हैं कि सर हमें कीगल एक्सरसाइजेस करनी है, कीगल एक्सरसाइज में क्या क्या होता है। तो पहले बताओ कि कीगल एक्सरसाइज सिर्फ एक सिंगल एक्सरसाइज है जिसको बेसिकली जो हमारा मल द्वार है या पॉटी का रास्ता है, जो लिवेटर मसल है, उसको कंट्रैक्ट करना और उसको रिलैक्स करना, यही है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग का पार्ट है। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज बोलते हैं, जो पेल्विक फ्लोर को ट्रेन करती है, और पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के अलावा उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, एडवांस वर्जन है या लेवल 3 है, उसको बोलते हैं सेक्सरसाइजेस। सेक्सरसाइजेस बेसिकली वो सारी एक्सरसाइजेस है जो पेट के मसल को, कोर को, कमर के मसल को, ग्लूटियस को और पेल्विक फ्लोर को ट्रेन करती है। इन एक्सरसाइजेस के अंदर कंट्रैक्शन एक्सरसाइजेस भी है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है। तो अगर आप इसका जो है एक मोटा मोटा ग्राफ समझे, तो हमारे जो सबसे अंदरूनी ऑर्गन है, जो कोर है, उसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, उसकी कंट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप है अगर हम उस पूरे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करें, उस पूरे पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करें और कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसको PFMT या पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग है, जिसको मशीनों से भी कर सकते हैं और अपने आप से भी कर सकते हैं। और उसका नेक्स्ट लेवल है अगर आप ओवरऑल जो है अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, जिनको सेक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस है, मसल ट्रेनिंग है, एब्डोमिनल्स है, कोर है, पेल्विस है और ग्लूट्स है। तो मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन सब एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कौन सी एक्सरसाइज पहले बतानी है, कौन सी बाद में बतानी है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। पर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कीगल्स एक्सरसाइज क्या है और इसको कैसे करें। तो कीगल एक्सरसाइजेस बेसिकली आपको जो है दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको लेट के कर सकते हैं, आप बिस्तर पर लेट जाए, जैसे मैंने बताया पोजिशन में, इस पोजिशन में लेके बिस्तर पर लेट सकते हैं, पैरों को थोड़ा खोल के रखिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास समय की कमी है, नहीं कर सकते, तो इसको आप चौकड़ी मार के बैठ के या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। किस एक्सरसाइजेस में आपको जो मसल है या जो मांसपेशी है, जिस मांसपेशी को कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करना है, सबसे पहले आपको उस मांसपेशी को आइडेंटिफाई करना है। उस मांसपेशी को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं।
अगर तो आप मेरे क्लिनिक पे आते हैं या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके मल द्वार या आपके जो पॉटी का रास्ता है उस रास्ते के अंदर अपनी उंगली डालता है और आपको बोलता है कि उंगली को जकड़े। आप जब उस उंगली को जकड़ते हैं तो आपको जो मसल यूज होता है उसी को पेल्विक फ्लोर या लेवेटरनाई मसल बोलते हैं। पर ज्यादातर मर्द जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या मेरे पास नहीं आएंगे, तो आप अपने आप कैसे घर में अपने इस मसल को आइडेंटिफाई करें मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका यह है कि आप जा सकते हैं बाथरूम में और जब पेशाब करें तो अपनी पेशाब की धार को रोकने की कोशिश करें, अपनी पेशाब की चलती धार को बंद करने की कोशिश करें। जो बंद करने के टाइम जो आप मसल का इस्तेमाल कर रहे हो उसको रोकने के लिए या पेशाब की धार को बंद करने के लिए, यही कीगल्स मसल है। एक बहुत गलतफहमी यह रहती है मरीजों में कि सर हमें बार बार जाके क्या पेशाब को रोकना है। नहीं, पेशाब के फ्लो को रोकना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सिर्फ सही मसल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये विधि अपनानी है। बाथरूम जाएंगे, चलते पेशाब को रोकेंगे, जो रोकते के टाइम जो आपको मसल महसूस होता है, जो आपको मांसपेशी अपने अंदर महसूस होती है बंद हो रिलैक्स होते हुए, उसी को लेवेटर नाई बोलते हैं। ध्यान रखें कि आपको अपने हिप्स के, अपने आगे एडक्टर्स के, अपने थाइस के, अपने पेट के मसल्स को नहीं रिलैक्स करना, मतलब नहीं टाइट करना, उन्हें कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ना है। आपको सिर्फ अपने पेल्विक फ्लोर या कीगल्स मसल को ही कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करना है। तो एक तरीका यह है। सेकेंड तरीका यह है कि आप जैसे जब इरेक्शन में होते हैं, जब आपका लिंक टाइट होता है, आप कोशिश करिए अपने लिंक को उभारने के लिए या अपने लिंक को एकदम टाइट करने के लिए। तो जो लिंक को टाइट करने के लिए जो आप मसल को कंट्रैक्ट करते हैं वो भी लेवेटर नाई है। इसी से समझेंगे कि अगर लेवेटर नाई स्ट्रांग है तो लिंक हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और उसमें बहुत अच्छा एक ब्लड फ्लो आता है। तो अगर अपने लिंक को, आप खड़े लिंक को उछालने की कोशिश करते हैं, उस उछाल के अंदर जो मसल इस्तेमाल करते हैं उसको भी लेवेटर नाई बोलते हैं। तीसरा तरीका, अगर आप लेटे हैं तो लेट के अपने जो गोलिया है या स्क्रोटम है उसके नीचे पॉटी के रस्ते के पास अपनी उंगली रखिए और अंदर के मसल को दबाइए। जो वो मसल दबता है और जो आपको मसल टाइट फील होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ रखे ये अपने जो दांत भिजने मसल होता है, उसी तरह आपको एक हार्ड मसल नीचे भी फील होगा जिसको जब आप कंट्रैक्ट करेंगे तो आपकी मूवमेंट फील होगी, वही आपका लिवेटर मसल है और आपको कीगल एक्सरसाइज में इसी मसल को ट्रेन करना है। एक बार आपका मसल आइडेंटिफाई हो गया तो फिर सेकंड स्टेप है कि आपको सबसे पहले एक कंफर्टेबल स्थिति में बैठना है। जैसे लेट गए, चौकड़ी मार ली या आप चेयर पर बैठ गए, आपने अपनी पूरी बॉडी के सारे मसल्स को रिलैक्स करना है और फिर आपने लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस लेने के बाद अपने उस मसल को जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया है उसको होल्ड करना है। होल्ड मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन करना मुश्किल होगा, 3 या 4 सेकेंड भी रोक लेंगे तो टाइम लगेगा, पर अगर आप उस कॉन्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आपको उस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना है। अब कीगल एक्सरसाइजेस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग होल्ड और एक होता है क्विक फ्लिक्स। लॉन्ग होल्ड मतलब कि आपको मसल को टाइट करके उसको होल्ड करना है जितना आप रोक पाए। इनिशियली 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, कोशिश रहनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक मसल को होल्ड कर पाए। और होल्ड करने के बाद आपको मसल को रिलैक्स करना है या रिलीज करना है, तो होल्ड एंड रिलीज, पूरा होल्ड और पूरा रिलीज, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। सेकेंड पार्ट होता है क्विक फ्लिक्स। क्विक फ्लिक्स मतलब आपको मसल को इमीडिएटली टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज करना है। ये क्विक क्विक सेक्शन में करना है, नंबर ऑफ टाइम में, ये फ्रिक्वेंसी पे एक्ट करता है। दोनों एक्सरसाइजेस का डिफरेंट इफेक्ट होता है। जो लॉन्ग होल्ड एक्सरसाइजेस है और लॉन्ग रिलीज एक्सरसाइजेस है वो मसल को स्ट्रांग करती है, लिंक के अंदर प्रभाव देती है और हार्डनेस लेके आती है। जो क्विक फ्लिक्स है वो एक्सरसाइज अंदर की जो नसें हैं, नर्व्स हैं, उनको नरिश करती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में और पेशाब की दिक्कतों में हेल्प करती है। कितनी एक्सरसाइज करें, जो रिकमेंडेड शेड्यूल है कि आप इन एक्सरसाइज को एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार कीजिए। हर सेशन में एटलीस्ट 5 बार लॉन्ग होल्ड और कम से कम 10 बार क्विक फ्लिक्स कीजिए। स्टार्ट कीजिए 5 सेकेंड होल्ड करने से, जाइए अप टू 30 सेकेंड्स और क्विक फ्लिक्स कोशिश करिए स्टार्ट करिए 10 बार से और कोशिश करिए आपको एक्सरसाइज करते करते एटलीस्ट 30 बार आप इसको कर पाए। तो अगर आप दिन में 5-5 मिनट के 3 सेशन में अपने आप को इसकी ट्रेनिंग कराएंगे तो ओवर टाइम आपको पेनिस में, इरेक्शन में, पेशाब में, लिंग में, सप्लाई में, सब में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कीगल एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली सीखना चाहें तो इसको सीखने के लिए आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो ट्रेन कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, उनको कीगल एक्सरसाइज सीखने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। अभी बिकॉज ऑफ कोरोना कुछ समय के लिए ये ट्रेनिंग बंद है, पर नॉर्मली हम पेशेंट को कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग और सेक्स एक्सरसाइजेस,
इन तीनों के बारे में बताते हैं। तो हो सकता है कि आपको आज कीगल एक्सरसाइज के बारे में कुछ डाउट सॉल्व हुए हो। मैं कीगल एक्सरसाइजेस और पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस के बारे में और वीडियोस बनाऊंगा। कीगल एक्सरसाइजेस को मशीन से भी करा सकते हैं। जो मरीज ओल्ड है या जो मरीज कीगल एक्सरसाइजेस को अपने आप नहीं कर सकते, उनके लिए मशीनें आती है जो उनके मसल को एक्सरसाइज करती है। वो हर हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन पे आके अपनी मशीनों से अपनी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और खुद करने की बजाय हम मशीनों से उनकी पेल्विक फ्लोर को ट्रेन कर देते हैं। तो कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में और एक्सरसाइज से अपने आप को स्वस्थ करने के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में और जानने के लिए कुछ कमेंट सेक्शन में डाउट है आपको तो लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप तक एंड्रोलॉजी के लिए जबरदस्त कंटेंट लाता रहूँगा। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।